नमस्कार, मैं प्रिया। धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रियंका टिबरीवाल से है। 30 सितंबर को वोटिंग होनी है, उससे पहले भाजपा ने ममता के नॉमिनेशन पर सवाल खड़ा कर दिया है। भगवा पार्टी का कहना है कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय ममता ने अपने खिलाफ दर्ज 5 पुलिस मामलों का खुलासा नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री सह राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने रोहतास से गया जाने के दौरान कहा कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तब तक किसी दूसरे नेता का पीएम मटेरियल की बात कहां से आती है। जब पीएम का पद खाली होगा, तब तो किसी दूसरे नेता को पीएम बनने का मौका मिलेगा। पश्चिम यूपी के इस अहम शहर में पीएम नरेंद्र मोदी यूं तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके संबोधन से साफ था कि चुनाव की खुशबू अब फिजा में महकने लगी है। एक तरफ आज उन्होंने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया, तो वहीं चौधरी चरण सिंह की तरफ से किसानों के लिए उठाए कदमों का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। यह परिवाद अहियारपुर थाना के भिखनपुर गांव के समाज सेवी तमन्ना हाशमा ने दाखिल किया है। इसमें अब्बा जान संबोधन पर एक समुदाय विशेष को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान को लेकर एक बार फिर भाजपा और केंद्र सरकार को ललकारा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित करे, यूएपीए की सूची में तालिबान को डाले। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान पर दिल्ली पुलिस ने महिला के साथ गलत व्यवहार के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। प्रिंस जो पार्टी के बिहार इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उन पर पार्टी की एक पूर्व कार्यकर्ता के साथ कथित रूप से गलत व्यवहार करने का आरोप लगा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के रद्द होने पर अपनी राय दी है। लक्ष्मण का मानना है कि मैनचेस्टर टेस्ट के लिए रद्द होने का दोष आईपीएल को देना गलत है। मौजूदा हालात को देखते हुए आईसीसी को भारत को 2-1 से सीरीज विजेता घोषित कर देना चाहिए था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को उस प्रतिवेदन पर फैसला लेने का निर्देश दिया है, जिसमें श्रद्धालुओं को कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए धार्मिक स्थानों पर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। जोमैटो के को फाउंडर गौरव गुप्ता ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। 2015 में जोमैटो में शामिल हुए गुप्ता को 2018 में कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया था। जोमैटो इसी साल बाजार में लिस्ट हुई है। कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने में गौरव गुप्ता की अहम भूमिका थी। ऐसे में अचानक गौरव गुप्ता का कंपनी छोड़ देना निवेशकों और मीडिया के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाल के दिनों में कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन किए गए हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी के हालात पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसीलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिए जाएं। योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है और कहा कि अब्बा जान कहकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये एक सीएम को शोभा देता है? याद रहे, इसी कुर्सी पर जीबी पंत, संपूर्णानंद सुचेता कृपलानी, सीबी गुप्ता, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुना, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, एनडी तिवारी जैसे लोग रहे हैं। कुछ भी हो, कुर्सी की लाज बची रहनी चाहिए। नसरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड के तीनों खान को निशाने पर लिया है। नसरुद्दीन शाह ने इस बात कहा कि ये लोग इतने बड़े सेलिब्रिटी होते हैं कि मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। सलमान, शाहरुख और आमिर उस उत्पीड़न के कारण चिंतित है जिसका उन्हें शिकार बनाया जाएगा। यह केवल आर्थिक उत्पीड़न नहीं होगा या एक दो विज्ञापन छूटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर तरह से परेशान किया जाएगा। जियो कंपनी अब अपना लैपटॉप लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका नाम जियो बुक लैपटॉप हो सकता है। जियो इंडिया अपना अपकमिंग लैपटॉप जल्द ही लॉन्च कर सकती है। जानकारी के मुताबिक इसे अब कथित तौर पर भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर देखा गया है। कांग्रेस को केरल में करारा झटका लगा है, जिसके तहत निलंबित कांग्रेस नेता और केरल प्रदेश कमेटी के पूर्व महासचिव केपी अनिल कुमार ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। अपने ताजा बयान में उन्होंने ऐलान किया है कि वो सीपीआईएम में शामिल हो रहे हैं। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए 2,00,000 स्कूली स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन की घोषणा की है। संबंध में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा है कि प्रत्येक स्कूल द्वारा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर अधिकतम 2 छात्रों का क्विज के लिए मुफ्त में नामांकन किया जा सकता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे, केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन 2 बेहतरीन टूर पैकेज लेकर आया है। काफी किफायती किराए पर इस पैकेज के माध्यम से आप 3 AC में बैठकर माता के दर्शन के लिए जा सकेंगे।
भोजपुरी और मगही को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है, जिसके तहत बिहार में उनके बयान को बिहार का अपमान बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर जारी गाइडलाइन में उस तथ्य पर विचार करें जिसमें कोविड पीड़ित की आत्महत्या करने के मामले को कोविड डेथ की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो इस मामले में दोबारा अपने फैसले पर विचार करें। व्लादिमीर पुतिन के एक करीबी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद पुतिन ने एहतियातन खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि पुतिन इसलिए क्षेत्रीय सुरक्षा बैठकों के लिए इस हफ्ते तजाकिस्तान में यात्रा नहीं कर पाएंगे। भारत में एक दिन में कोविड 19 के 25,404 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,32,89,579 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीज यानी सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 3,62,207 पर पहुंच गई है। वहीं संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 339 और लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,43,213 पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत मिल सकती है। मंत्रियों का एक पैनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर सिंगल नेशनल रेट के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स लगाने को लेकर विचार कर रहा है। कंज्यूमर प्राइस और सरकारी राजस्व में संभावित बड़े बदलाव के लिए अहम कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिका में जुलाई के महीने में बच्चों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अब आंकड़े जारी किए हैं। इस समूह का दावा है कि पिछले हफ्ते में बच्चों में कोरोना के 2,43,373 नए केस सामने आए हैं। जानकारों की माने तो यह जुलाई की शुरुआत से 240% इसमें बढ़ोतरी हुई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थित अपने उत्पादन एवं अन्वेषण क्षेत्रों में ग्रेड 3 की कुल 535 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से चीन और पाकिस्तान काबुल पर अपना प्रभाव बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान को लेकर अगर संघर्ष बढ़ता है तो एक और चीन पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ रूस, ईरान और भारत जैसे देश होंगे जो चाल को नाकाम कर देंगे। दिल्ली में सितंबर के महीने में मॉनसून ज्यादा ही मेहरबान है। दिल्ली में जारी बारिश का सिलसिला भी अगले कुछ दिनों तक और बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार के बाद अगले दो दिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। भारतीय तटरक्षक बल ने द्वीप के वनकबाड़ा तट के पास एक डूबती नाव में 7 मछुआरों को बचाया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी मिली है। मछली पकड़ने की नाव में कुछ खराबी आ गई थी और वो तट के पास समुद्र में फंस गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जोर देकर कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ठाकरे ने साकीनाका उपनगर में एक महिला के साथ हुए कुकर्म और फिर जान लेने के मामले की पृष्ठभूमि में कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की लिस्ट के जरिए ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि लिस्ट और कार्यक्रम में परिवर्तन भी हो सकता है। रेलवे ने स्टेशन के पुनर्विकास के उद्देश्य से निजी कंपनियों के लिए अपने मॉडल अनुबंध दस्तावेज में कई बदलाव किए हैं, जिसमें रियायत की अवधि पूर्व से 60 वर्षों से घटाकर 35 से 40 वर्ष कर दी गई है। सामान्य तौर पर रियायत अवधि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को दी गई वो अवधि है जिसके भीतर निजी क्षेत्र BOT परियोजना के वित्त पोषण, निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में देश के अल्पसंख्यक 100% सुरक्षित है और यह विमर्श गलत है। मौजूदा सरकार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा से संबंधित घटनाएं बढ़ गई हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है खानसर UPSC, राजेश कुमार, पिंकी कुमारी, तन्नू कुमारी, नुन्नू कुमार, अविनाश कुमार, ओमकार सिंह, अजय कुमार, मिथुन कुमार, अंजानी शाही, श्याम प्रेमी ऑफिशियल, दिवेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कुश कुमार यादव, संतोष कुमार, मनीष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ममता बनर्जी उपचुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगी या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।